नमस्कार मित्रों, आज आपके साथ में मध्य प्रदेश में बीए द्वितीय वर्ष में समाजशास्त्र के इलेक्टिव पेपर सोशियोलॉजी ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता के समाजशास्त्र के एक पाठ्यक्रम जो है उसमें निर्धारित किया गया, उसमें इकाई द्वितीय पे चर्चा करूंगा, पत्रकारिता के प्रकार। जी हाँ, पत्रकारिता 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुकी है, एक विविधतापूर्ण कार्य। पत्रकारिता समाज की आवश्यकता बन गई है। समाज के हर क्षेत्र में पत्रकारिता का दखलंदाजी, पत्रकारिता को हम अनुभव करते हैं। जीवन का आप देखिए, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें पत्रकारिता की उपाधेयता सिद्ध ना होती हो। अर्थात समाज के जितने भी आयाम हैं, समाज के जितने भी डायमेंशन हैं, समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी में कहीं सी ना किसी रूप में पत्रकारिता का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिज्म जरूर देखने को मिलता है। अब चाहे समाज का वो राजनीतिक परिदृश्य हो, शैक्षणिक परिदृश्य हो, साहित्यिक हो, सांस्कृतिक हो, खेल हो, अपराध, विकास, कृषि, गांव, बच्चे, महिला, पर्यावरण, सैनिक, अंतरिक्ष, युद्ध, विज्ञान, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें पत्रकारिता ना की जा रही हो। अब समाचार पत्र देखिए, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक आपको ये सारे जिनकी मैंने चर्चा की है, शैक्षणिक क्षेत्र पर भी चर्चा करता है समाचार पत्र, सैन्य गतिविधियों पर भी चर्चा करता है, अंतरिक्ष गतिविधियों पे, कृषि पे, अपराध पे, विकास पे, संस्कृति, साहित्य, गांव, बच्चे, महिला, पर्यावरण, सैनिक, सभी चीज पे, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर पे भी चर्चा करता है। तो समाजशास्त्र में आज पत्रकारिता एक शाखा के रूप में जानी जा रही है। समाजशास्त्र समाज का विषय है, समाज के बारे में, समाज की सारी संबंधों के बारे में, समाज में होने वाले क्रियाकलापों, सामाजिक प्रक्रियाओं को, सामाजिक संबंधों को, सामाजिक गतिविधियों की चर्चा करता है। तो आप इसलिए समाजशास्त्रियों ने पत्रकारिता को भी समाजशास्त्र की एक शाखा में ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी करके स्थापित किया। एक बहुआयामी क्षेत्र, इसके विविध प्रकार हैं। पत्रकारिता कई क्षेत्रों में होती है, इसको कुछ चर्चा करूँगा मैं आपके साथ। जैसे खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। खोजी पत्रकारिता नाम से स्पष्ट है, इसमें खोजबीन करते हैं। मानव स्वभाव तो जिज्ञासु है, वो चाहता है कुछ, सब कुछ जानना चाहता है, सार्वजनिक है या जो छुपा हुआ है सबको जानने का प्रयास करता है, इसलिए वो अनुसंधान करता है। हम सब समाजशास्त्री समाज के सामाजिक संबंधों को, सामाजिक क्रियाओं को, सामाजिक संरचना, सभी चीज़ों पर क्या क्या बदलाव आ रहा है, संरचना कैसी है, प्रकारात्मकता कैसी है, इन सभी का खोजबीन में लगे रहते हैं, अनुसंधान करते हैं। ठीक, पत्रकार का भी यही है कि वो भी कोशिश करता है कि गुड़तम से गुड़तम बातों को जाने, सच को जागर करे, रहस्य के अंधेरे में जो छिपा हुआ है उसे जनता के सामने लाके रखे, सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाना या उजागर करना अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता कहलाता है। इसे आप जासूसी भी कह सकते हैं। सामान्य पत्रकारिता से कुछ अलग होती है, अधिक श्रम साध होती है, जोखिम भरी है और अनुसंधानात्मक होती है। एक अनुसंधानकर्ता के अध्ययन क्षेत्र से तत्व और कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए उनके संबंध स्पष्ट करने पे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसलिए समाजशास्त्र में पत्रकारिता को लिया गया है। समाजशास्त्र और पत्रकारिता का गहन संबंध है। खोजी पत्रकारिता के कारण वाटरगेट कांड, जैक एंडरसन, पेंटागन, बोफोर्स कांड, ताबूत कांड, हवाला कांड जनता की नजरों से आ सके, बचने सके, ये कहीं ना कहीं खोजी पत्रकारिता का काम है। ये खोजी पत्रकारिता एक अस्त्र के रूप में है। स्टिंग पत्रकारिता में फोटो जर्नलिज्म से जुड़े पत्रकारों को पापराताशी कहते हैं। अब दूसरी और पत्रकारिता का एक स्वरूप है खेल पत्र, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। आजकल तो आपके समाचार पत्र में आईपीएल से भरा हुआ है, टाटा आईपीएल का रोज का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। खेल हार जीत नहीं बताते, उसमें ये भी बताते हैं किस खिलाड़ी ने कितना अच्छा खेला, किसने कहाँ गलती करी, सारा दृष्टिकोण उसमें मिलेगा। 21वीं सदी में खेल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि उत्तम स्वाद, बौद्धिक क्षमता का प्रतीक के साथ साथ एक व्यवसाय बन गया, बिजनेस बन गया। तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, पोलो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, ये प्रमुख खेल है। पहले चलते थे समाज में क्या, तैराकी, गुल्ली डंडा, रस्साकसी, कबड्डी, खो खो, चौपड़, चौसर, शतरंज, लेकिन आज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अभी देखिए नीरज चोपड़ा ने कल दोहा में फिर से गोल्ड, भाला फेंक में गोल्ड प्राप्त किया, सारे समाचार पत्रों ने उसको दिया। तो ये एक
ये स्थिति है कि आज खेल को भी पत्रकारिता को अपना, खेल बहुत बड़ा मुकाम बन गया है, खेल पे काफ़ी कवरेज होती है, नए पुराने मैच की भी कवरेज होती है, खेल इतना ज़्यादा खेल में पैसा बरस रहा है कि अभी जो 4 महीने पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें फ्रांस हारी थी अर्जेंटीना से, और सोचिए हारने पे भी उसको 325 करोड़ रुपए मिले थे। ऐसा कौन सा खेल होगा भाई जिसमें हारने वाले को इतने करोड़ों रुपए की राशि मिले। इसलिए खेल पत्रकारिता के कारण खेल एक व्यवसाय है, और खिलाड़ियों को भी मेहनत करना पड़ती है और उनका विश्लेषण विवेचन पत्रकार लोग करते हैं। एक और प्रकार है महिला पत्रकारिता, विमेन जर्नलिज्म। 21वीं सदी पत्रकारिता की सदी है, मैंने पहले ही कहा, और महिलाओं की सदी है। आज महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है, महिला पत्रकारिता की भी बात की जा रही है, महत्वपूर्ण भूमिका है। नारी स्वातंत्र और समानता के युग में आधी आबादी से जुड़े पहलुओं को देखते हुए महिला पत्रकारिता बहुत जरूरी हो गई। महिला पुरुष का मूल अंतर उनकी शारीरिक संरचना में है। शिक्षा और विकास के दौर में महिलाएं जो निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं और समान अवसर प्राप्त कर रही हैं। तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में महिलाओं की उपस्थिति अब घर के साथ साथ दहलीज के बाहर भी। आप टीवी चैनल देखिए, हर चैनल में कोई भी चैनल हो उसमें आपको महिला पत्रकार जरूर ही मिलेंगे, और बहुत अच्छे से ज्ञानवर्धक तरीके से बेबाकी के साथ वो अपनी बात रखती हैं, समाज से आपको परिचित कराती हैं। ये एक अहम भूमिका है महिलाओं की, महिलाओं से जुड़े हर पहलू महिलाओं का सर्वांगीण विकास करती है। मृणाल पांडे, बरखा दत्त, लवलीन सिंह, श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, ये सब जानी पहचानी महिला पत्रकार। आर्थिक पत्रकारिता, इकोनॉमिक जर्नलिज्म। पत्रकारिता का एक प्रकार आर्थिक पत्रकारिता है। आर्थिक पत्रकारिता आर्थिक व्यवहार अर्थात अर्थव्यवस्था के व्यापक गुण दोषों की समीक्षा और विवेचना पर केंद्रित है। आर्थिक पत्रकारिता अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर सूक्ष्म नजर रखती है। अभी आपने देखा होगा हिडनबर्ग ने अडानी साम्राज्य को कैसा हिला दिया, वो आर्थिक पत्रकारिता ही थी, उसने पूरा उनका दिया, और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन प्रारंभिक तौर पे हिडनबर्ग ने जो तहलका मचाया अपनी आर्थिक पत्रकारिता से, अडानी टॉप पे चल रहा था, करोड़ों का नुकसान होकर 7वें नंबर पे आ गया। तो आप देखिए, आप इकोनॉमिक्स टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, मनी कंट्रोल, मिंट, ये प्रमुख रूप से समाचार पत्र हैं जो आर्थिक जगत में निकाले जा रहे हैं। प्रसारण पत्रकारिता, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। प्रसारण पत्रकारिता समाचार और पत्रकारों का एक ऐसा समूह जिसमें पुराने तरीकों की जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथ्यों को हम प्रसारित करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से मीडिया चित्र, दृश्य, पाठ और दृश्य और श्राव्य दोनों में प्रसारित किया जाता है। वीडियो क्लिपिंग का एक संपादित सेट है। टेलीविजन में तो एक रिपोर्टर आके संचार सामग्री प्रस्तुत करता है, एंकर समाचार देता है। रेडियो में प्रसारण पत्रकारिता का पहला माध्यम था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको ब्रॉडकास्टिंग उसमें आ गया। अभी मन की बात देखिए, प्रधानमंत्री जी का मन की बात जो आकाशवाणी से आता है, 100वां एपिसोड हुआ। ये इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में एडवर्ड आर मोरो ने, अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के समाचार प्रतिदिन लंदन से वो बमबारी की घटनाओं से देते थे। और ये प्रसारण पत्रकारिता में हम क्या करते हैं कि स्थान पे जाके वहीं से की जाती है। आपको याद होगा 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद टेलीविजन न्यूज कास्टिंग शुरुआत हुई थी, वहाँ से उसने पूरा लाइव दिखाया था कि कैसे गोली मार के हत्या की, फिर उसका अंतिम संस्कार भी दिखाया गया था। इंदिरा गांधी के समय भी यही हुआ था। और अभी देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मेडिकल चेक पर के लिए एक अपराधी अतीक अहमद जा रहे थे, और 3 लड़के आए पत्रकार के रूप में, उससे बात करते करते उसकी हत्या कर दी। वो प्रसारण हमने लाइव देखा, ये कहलाता है प्रसारण पत्रकारिता, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म। ऑनलाइन पत्रकार थोड़ा हटके, 21वीं सदी ऑनलाइन पत्रकारिता की सदी है, इसमें डिजिटल या नेटिजन पत्रकारिता कहते हैं। इसमें इंटरनेट के माध्यम से समाज में सामग्री वितरित की जाती है, प्रिंट या प्रसारण माध्यम से अलग होती है। डिजिटल मीडिया में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाचार, सूचनाएं, कविता, कहानियां प्रसारित, जैसे मैं यूट्यूब चैनल मेरा ये डिजिटल पत्रकारिता है, इससे अगर मैं रोज आपको समाचार देने लगूं तो ये डिजिटल पत्रकारिता। 2000 के बाद से इसमें तेजी आई है, टेलेक्स होते हैं, UBI कहे जाते हैं, इसमें डिजिटल संचार का प्रयोग किया जाता है, आप अपने किसी भी मैटर को रोज को रोज दे सकते हैं। एक संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़े बता रहे हैं कि 2022 में दुनिया की लगभग 8 अरब आबादी में से 5 अरब
आबादी अर्थात 63% लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इनमें से 92.4% मोबाइल फोन के सहारे जुड़े हुए हैं। औसतन एक यूजर प्रतिदिन 6 घंटे 53 मिनट इंटरनेट से जुड़ा रहता है। इसलिए इसका भी आजकल के 18 से 29 वर्ष की आयु के युवा तो मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से ही समाचार प्राप्त करते हैं। डिजिटल पत्रकारिता वास्तव में क्रांति का प्रतिनिधित्व करती है कि समाज द्वारा समाचारों का उपयोग कैसे किया जाता है। एक होती है वॉच डॉग जर्नलिज्म, पहरी पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता का रूप है, लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है। वॉच डॉग पत्रकार जो है सत्ता में लोगों के कार्यों की जानकारी संग्रहित करके निर्वाचित पत्रकार जो अधिकारी रहते हैं प्रतिनिधि उनको जवाबदेह बनाने के लिए समाज के सामने जानकारी देते हैं। सामान्य मुद्दे, विषय, घोटाले, भ्रष्टाचार, ये सब वॉच डॉग पत्रकार जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। हिडनबर्ग ने भी वॉच डॉग के रूप में अडानी के साम्राज्य को प्रस्तुत किया था। इसमें छानबीन की जाती है, पत्रकारिता की निष्पक्ष आवाज होती है, समाचार का स्रोत होता है। ये एक तरीके से पहरी के रूप में हमारे गेट कीपर के रूप में काम करता है। आपको याद होगा 1974 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था वो वाटरगेट घोटाले के कारण। इसमें वॉचडॉग पत्रकारिता सत्ता में लोगों को गलत कार्यों से उजागर करने में सत्ता छोड़ने के लिए मजबूत करते हैं। हमारे अभी हुआ था बोफोर्स कांड में बहुत हुआ था और कांग्रेस को उसके बाद जनता ने नकार दिया था। एक होती है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया कागजी प्रकाशन है, पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार पत्र के भौतिक संस्करण के प्रचलित रूप को प्रिंट मीडिया कहते हैं। प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा दैनिक समाचार पत्र हैं, पुस्तकें हैं, बैनर हैं, होर्डिंग है, पोस्टर हैं, फ्लैट लीफलेट्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, विवरणिका, ब्रोशर, ये सारी चीज़। इसकी शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 3200 ईसा पूर्व से मनुष्य शब्दों को पढ़ लिख रहा है और धीरे धीरे जोहेंस गोटेनबर्ग ने जब से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी तब से प्रिंट मीडिया चल रहा है। एक प्रकार है शैक्षणिक एजुकेशनल जर्नलिज्म, पत्रकारिता का एक स्वरूप शैक्षणिक है। और आप देखिए आज 1920 में थियोसोफिकल सोसाइटी द्वारा मद्रास में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में डॉक्टर एनी बेसेंट ने पत्रकारिता का पहला पाठ्यक्रम शुरू किया था। फिर 1938 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ। लाहौर में था जो कि लाहौर के माध्यम से पंजाब में चलता था। 1947 में मद्रास में हुआ और आज तो सभी विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता एक प्रमुख विभाग के रूप में है। मध्य प्रदेश का माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय तो बहुत नामी ग्रामी विश्वविद्यालय है जिसमें शैक्षणिक पत्रकारिता के डिग्री कोर्सेज चलते हैं UGPG। अपराध पत्रकारिता क्राइम जर्नलिज्म, अपराध समाज की एक प्रक्रिया है। पत्रकारिता जगत में चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, खेल के बाद सबसे ज़्यादा देखा पढ़ा जाने वाला पृष्ठ अपराध जगत है। उबाऊ प्राइम टाइम, राजनीति के मत, अखबारों के सर्कुलेशन और टेलीविजन की TRP बनाए रखने के लिए अपराध पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपराध रिपोर्टिंग का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विवश और चकित कर देने वाले कार्यों के समीप समाज जाता है। आप देखिए अपराध पत्रकारिता का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सत्य को बहुत ही सावधानी के साथ इसमें प्रस्तुत करना पड़ता है। रिपोर्ट में क्या शामिल करें, क्या नहीं करें, किसे दिखाने, ये सब चीज़ें, क्योंकि पीड़ित और पीड़ित परिवार की भावनाओं, निष्ठा और संस्कृति के प्रति भी हमें सचेत रहना पड़ता है। इसलिए अपराध पत्रकारिता में विवादास्पद सूचनाओं को बिना 2-3 स्रोतों से पुष्टि किए प्रसारित नहीं करना चाहिए। एक और मंच है साइबर पत्रकारिता, साइबर जर्नलिज्म। साइबर पत्रकारिता को नेट पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तकनीक से सूचना प्रसारित की जाती है। वेब मीडिया, न्यू मीडिया भी कहते हैं इसे। साइबर मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट, सामाजिक नेटवर्क, ब्लॉग आते हैं। साइबर का मूल अर्थ है कंप्यूटर के माध्यम से किसी गैर कानूनी काम को अंजाम देना। देखिए आज साइबर कैफे चल रहे हैं, साइबर स्पेस में तकनीक के माध्यम से आज़ादी के साथ काम को गति देते हैं। साइबर सब ग्रीन ग्रीक भाषा के कुबेरनोटिक्स से उत्पन्न है जिसका अर्थ होता है स्टेयरिंग या पायलटिंग में अच्छा। ये फ्रेंच साइबरनेटिक में शासन करने की कला के रूप में लिया गया था। 21वीं सदी की पत्रकारिता साइबर पत्रकारिता है। आपने देखा हो कई वेबसाइट हैं जिसमें पूरे समाचार चलते हैं और वेबसाइट के माध्यम से साइबर पत्रकारिता चलती है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होती, कोई गेट कीपर नहीं होता। अब एक काफ़ी पुराने हैं पीठ पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म। 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद पीठ पत्रकारिता का उद्भव हुआ। वास्तव में पत्रकारिता के विकास के साथ साथ इसमें कई विकृतियां भी आ रही हैं और पत्रकारी सिद्धांत आचार संहिता को अब नजरअंदाज करके जब पत्रकारिता की जाती है उसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। अपने
संस्करण को सबसे ज्यादा बढ़ाने के लिए जो कंपटीशन होता है वो पीठ पत्रकारिता ने के कारण हुआ है। समाचार की प्रस्तुति, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संस्करणी के रूप से प्रस्तुत करना, ये सब पीठ पत्रकारिता है। पीठ पत्रकारिता में सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचारों का प्रयोग किया जाता है। पीठ पत्रकारिता गुप्त पत्रकारिता भी है, एक विकसित संचार का माध्यम। ये विद्यार्थियों आपको पत्रकारिता के प्रकार पर चर्चा की और ये आपके बीए सेकंड ईयर में एलाइट पेपर में है। आपको कैसा लगा वीडियो, इसमें क्या चाहते हैं आप बताइए। आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही।